आपने अभी अभी इनसे सवाल किया था तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसा लड़का है कि सवाल है कि वो खुद निरक्षर है, मूर्ख है। कौन मूर्ख है? वही तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव नहीं, वो हम जानते हैं, सो कह रहे हैं, कहा भावुक होकर के सुने हुए बोल रहे हैं, या कभी बात करने का मौका मिला तेजस्वी से आपको? नहीं, कभी मिलने का मौका नहीं मिला है। ही इज अ क्वालिफाइड पर्सन। ये पार्टियां लॉलीपॉप आजमाते हैं तो ये भी, इसमें सभी पार्टियां तो नहीं है ना, इसमें तो खास करके बीजेपी ने किया है ऐसा। वक्त नहीं निर्धारित है, सवाल है कि अभी तक ये लटका चला आ रहा था बहुत दिनों से कम इतना तो हुआ जो अभी पास हो गया। अगर महिला आरक्षण वो लागू करना चाहते हैं तो 24 में लागू करें, और अगर टाइम टेकिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर एक इन्होंने सहूखा छोड़ दिया कि चलो अब इस पर तुम लोग बहस करते रहो, चलते रहो, हम अब 24 के इलेक्शन अपना मार लेंगे। बाजी बाबा, आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया और कुछ हंस दिए कि आपके बिरादर में नहीं गए इसलिए आपको लग गया। हमको लग नहीं गया, आई वॉन्ट रिप्लाई। उन्होंने कहा जब से ये धरती है तब से ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, और अगर ब्राह्मणों के दिमाग में बैठ गया है कि शकील को वोट देना है तो शकील जाए या ना जाए वोट मिलेगा। सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पिछले दिनों पास हुआ है, महिला आरक्षण बिल है ये, क्या कहना चाहेंगे इसका? इसका सम्मान होना चाहिए जरूर, पर यह जो 29 ईस्वी तक ले गए हैं ये क्यों ले गए हैं, ये अभी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? तो क्या हुआ 29 ईस्वी मतलब 2029 में लागू होगा। अच्छे, तो क्यों नहीं अभी 2024 वाले इलेक्शन में लगा? लोग तो खुशी मना रहे हैं कि लागू हो गया, लागू हो गया। लागू कैसे हो गया? आपसे बात करते हैं। हाँ, लागू कैसे हो गया? अभी तो उसमें जो है आपको जनगणना और क्या क्या उन्होंने कहा है, क्षेत्रीय विकास ये सब होगा। मतलब जनगणना भी होना बाकी है और क्षेत्रीय विकास होना बाकी है, असेंबली और पार्लियामेंट सीट बढ़ाया जाएगा, तो ये सब होने के बाद 10 साल लगेगा। अभी 29 तो इन्होंने खुद कहा है, 29 खुद कहा है। हाँ, तो अब आप बताइए, और ये अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए कोई कोई मुद्दा छोड़ देते हैं कि जो विरोधी है उसको बरगला दें। अच्छे, ये तो प्रधानमंत्री ने दिया है, बिल पास करवाया है, उनकी मर्जी से ही पास हुआ है, ये कहते हैं केंद्र सरकार की बहुत बड़ी ये देन, इसको लोग मान रहे हैं। तो एक चीज बताइए मुझे आप के जो इंडिया गठबंधन, जो विपक्षी लोग हैं, वो कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है? बुजुर्ग बताएं आप। कोटा विद इन कोटा की बात बेकार है, कहिएगा क्यों? कि ये कह रहे हैं कि ओबीसी फलाना आरक्षण हो और जन दलित का है, वो तो ऑलरेडी है। नहीं तो यहाँ एक बात है, आपने कहा बेकार है, SC ST को तो है ही, लेकिन क्या ओबीसी को नहीं मिलना चाहिए? ओबीसी में मुसलमान नहीं आता है, अल्पसंख्यक नहीं आता है, तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो सबसे कम तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को क्यों नहीं मिले? क्या ब्राह्मण को ही मिले ना? ब्राह्मण को कहाँ इनकार कर रहा है? हम पूछते हैं, इससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। फायदा एक ही है कि अगर महिला आरक्षण वो लागू करना चाहते हैं तो 24 में लागू करें, और अगर टाइम टेकिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर एक इन्होंने सहूखा छोड़ दिया कि चलो अब इस पर तुम लोग बहस करते रहो, चलते रहो, हम अब 24 के इलेक्शन अपना मार लेंगे। बाजी अच्छा ये बताइए, आप यादव अगर बात करें, यादव भी ओबीसी में आते हैं ना? हाँ, यादव को नहीं मिलना चाहिए? क्यों मिला ब्राह्मण? आप अपने बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ब्राह्मण तो भाई मजबूत है। नहीं, जारव आप एक बात बताइए, जारव आज किस फील्ड में नहीं है? आपकी बुद्धि कहाँ तक नहीं है? आप कहाँ नहीं है? नहीं, आप ये बताइए कि आज यादव किस फील्ड में नहीं है? क्रिकेट क्या कमजोर है? क्रिकेट में है, किस चीज में नहीं है? इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, कौन चीज ऐसा है जिसमें कोई अब बन कोई अब बनेगा? आपको हमेशा बने रहे, वो तो जब धरती हुई तभी से ब्राह्मण का है और रहे, जब तक धरती रही तब तक रहेगा। एक बात आपको हम बता देते जी, हैं जी, जी। नक्सल में डॉक्टर शकील अहमद आप जानते ही हैं, पहली बार चुनाव पार्लियामेंट के लड़ रहे थे, मैं उस टाइम में जिला अध्यक्ष का था, तो हमने उनको कुछ जगहों का नाम कहा कि यहाँ यहाँ चलना है, वो एग्री कर गए। शाम को हमारा दोनों आदमी का टाइम फिक्स हुआ, सब जगह गए, विनोदानंद नगर नहीं जा सके टाइम के अभाव, हमको घर छोड़ने आए। उस टाइम उनके पास मारुति वैन थी, इतनी लंबी चढ़ी गाड़ी नहीं थी,
आ रहे थे, तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्या बात हुआ कि सब जगह गए आप, विनोदानंद नगर क्यों नहीं गए? देखिए उनका जवाब। उन्होंने कहा बाबा आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया और कुछ हंस दिए कि आपके बिरादर में नहीं गए इसलिए आपको लग गया। हमें लग नहीं गया, आई वॉन्ट रिप्लाई। उन्होंने कहा जब से ये धरती है तब से ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, और अगर ब्राह्मणों के दिमाग में बैठ गया कि शकील को वोट देना है तो शकील जाए या ना जाए वोट मिलेगा। चलिए सर बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, कि मैं बदलना चाहूँगा, बीजेपी जो क्रेडिट ले रही है रम कि हमने रिजर्वेशन बिल पास कर दिया, औरतें खुश हैं, मिठाई बांट रही हैं, कि उसे ये अंदाजा नहीं है कि 10 साल के बाद भी होगा कि नहीं होगा। ये जितनी भी औरतें हैं वो भाड़ा की हैं और वो भाजपा से हैं और जो धर्म भीरु हैं, और वो इसी चीज़ को भजा रहा है कि आप हिंदू हो या मुसलमान, दोनों जात की जो औरतें होती हैं वो धर्म भीरु होती हैं, और धर्म के नाम पर आज पति के लिए तीज फलना फलना हिंदू औरतें रखती हैं, हर में है धार्मिक मान्यता ज्यादा उनके अंदर होता है। वह इसी को भजा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। धन्यवाद सर। और जब तक ये भजता रहेगा देश यूं ही धरातल पर चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। अनिल जी आप ये बताइए, नारी शक्ति बंधन जो अभी महिला आरक्षण बिल पास हुआ, जैसा नाम है ये नारी शक्ति बंधन करके, क्या लग रहा है आपको ये नारी को, नारी के लिए जो आरक्षण दिया गया है ये किस हद तक सही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल तो शायद लगता है कि वो बहुत पहले जो है सो मतलब संसद में आया था, ठीक है, आज नहीं बहुत पहले, उस समय में शायद लगता है कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थी थे उस समय आए थे, किसी न किसी वजह से जो है मामला रुका रहा। शायद हमको लगता है जो उस समय में कोटा विद इन कोटा उस समय में शायद भी चक्कर में उस समय में जितने भी विपक्षी दल थे वो कोटा विद इन कोटा मांग रहे थे, जो आज भी मांग रहे हैं, जो आज भी मांग रहे हैं। इसमें जो है इसमें जो कोटा होना चाहिए उसके बाद इस मामला से वो अटक गया, ठीक है ठीक है। आज जो है सो बीच में सुने हैं दो दिन पहले जो दो दिन पहले ने पुराने संसद भवन से नए संसद भवन आया गया, पास कर दिया गया। उसमें सभी सांसद दो सांसद छोड़ करके सब जो है अपना मत दिए। इसका फायदा क्या हो रहा महिला को बताइए? शायद हमको लगता है कि इस चुनाव में तो बोले हैं कि इस चुनाव में कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं होगा भैया 26 तक तो वैसे वो बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। इसके लिए जनगणना जरूरी है, जनगणना होगा, क्षेत्रीय विकास की बात आएगी उसके बाद, तो क्या तो फिर क्या फायदा, फिर मिठाई क्यों खिलाया जा रहा है? अभी इससे कुछ फायदा नहीं होने वाले हैं, होने वाला है। शायद हमको लगता है कि जो सांसद सब बैठ करके दिल्ली में हैं वो चाहते हैं जो मेरा समय किसी तरह से बीत जाए, 24 का इलेक्शन है, पहले बीत जाए बोले ना, जो हम लोग को इधर से इधर नहीं हटना पड़े। मतलब बीजेपी अपने ऊपर क्रेडिट ले लिया? हाँ मोटा मोटी वो चाह रहे हैं कि क्रेडिट, लेकिन इसमें तो सभी सांसद हैं और जो सीट रिजर्व होगा महिला को जाएगी, ये तो बहुत खुशी की बात है, महिला ईमानदार होती है और बढ़िया से काम करती है, लेकिन सबों को मिलना चाहिए ना, कोटा विद इन कोटा, जैसे ओबीसी को नहीं मिलना, नहीं सबको, सभी को मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक को मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या लग रहा है चुनावी स्टंट मान रहे हैं इसको आप? हम तो 16 आना मान रहे हैं, 16 आना मान, 16 आना मान रहे हैं निश्चित रूप से, क्योंकि आने वाले दिन में ये मुद्दा रहता, लेकिन शायद हमको लगता है विरोधी दल इस मुद्दा को पकड़ लिया है और सांसद में जिस प्रकार से कुछ इस तरह का प्रमोट किया गया है रिकॉर्ड को, जिस प्रकार से कुछ राहुल जी भी दिख रहे हैं, SC ST की बात करें तो ये भाई ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि जो लोग वंचित है इससे, जिसकी महिलाएं वंचित है उसे मिलना चाहिए कोटा विद इन कोटा। आज जो है इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दल इसका विरोध कर रहे हैं, कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। अब खास करके बिहार में देख लीजिए, बिहार में तो हम ये देख रहे हैं, चाहे मान लीजिए सामान्य वर्ग के हो चाहे मान लीजिए पिछड़ा वर्ग के जो हो, उसमें मान लीजिए 50% रिजर्वेशन नौकरी में है। अच्छा आप बिहार की बात कर रही हैं, बिहार की बताइए, बिहार में तो नौकरी की बाहर देख रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री बोले थे तेजस्वी यादव, अमल हो रहा है उस पर लगता है? जी हाँ हम देख रहे हैं, खास करके शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य में बहुत सारे वैकेंसी निकल रहे हैं। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव? हाँ काम कर वाले, वो चाहते हैं जो मतलब जो बेरोजगार हो रोजगार मिले, वो उसको रोजगार मिले आने वाले वक्त में, और निश्चित रूप से कुछ दिन पहले घोषणा हुआ है जो 1 लाख और तो क्या लग रहा है आने वाले वक्त में लोग जो नौजवान की चाहत है कि वो उनको इम्प्लॉयमेंट चाहिए, मुख्यमंत्री बनाइएगा उसको, किनको? तेजस्वी यादव को, आने वाले जिस तरह काम कर रहा है निश्चित रूप से जो काम करेगा मुख्यमंत्री वही होना चाहिए।
होना चाहिए ना? जो काम करेगा, काम करने पर। तो आप नाम बताए, क्या बताए थे नाम आप, पूरा नाम बोलिए तो, मैं तो नाम जानता नहीं। मेरा नाम अनिल कुमार झा है। झा जी हुए आप, अनिल कुमार झा। तो क्या आपको झा जी हैं अगर आप, अगर नहीं है ही आप जी, हाँ तो देश भी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखिए मतलब हम ये चाह रहे हैं काम करने, जो जो काम करे। देश भी यादव कैसा लग रहा है आपको? नहीं ठीक है, नया लड़का है, काम बढ़िया, काम बढ़िया, काम बढ़िया। धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम हुआ? शंभू शरण ठाकुर। शंभू शरण ठाकुर जी, आप बताएं कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, लेकिन कब ये लागू होगा? 10 साल में होगा, 12 साल में होगा, 8 साल में होगा? हम आप देख भी पाएंगे, नहीं देख पाएंगे? आपके घर की या हमारे घर की महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं लग रहा। आपका क्या मत है इस पर? उसका कोई वक्त नहीं निर्धारित है। सवाल है कि अभी तक ये लटका चला रहा था बहुत दिनों से कम इतना तो हुआ जो अभी पास हो गया। अब सवाल है फायदे की बात, तो आप के सवाल करें, आप वही बात फूटा गाने वाली बात हो गई। आपने कॉलेज देखा था, अनुदानित कॉलेज? जी हाँ। कितने लोग उस कॉलेज से पढ़ करके 80 साल हो गया, मर भी गए, उसको पैसा नहीं मिल पाया, तो पासे हुआ अनुदानित। जी हाँ जी हाँ, वही वाली बात कर रहे हैं आप। मेरा कहना यह है कि इलेक्शन 24 में होना है, क्या जरूरत थी भाई, आप पास किए तो लागू कर देते। सभी पार्टियां लॉलीपॉप आजमाते हैं, तो ये भी इसमें सभी पार्टियां तो नहीं है ना, इसमें तो खास करके बीजेपी ने किया है ऐसा। हाँ, अभी जो वहाँ केंद्र में है सत्ताधीन, उन्होंने किया है, लेकिन पहले भी होते आ रहा है यही सब, कोई आज ही हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो जनता जनार्दन को कोई फायदा इसका अभी फिलहाल नहीं मिलेगा। आपने अभी अभी इनसे सवाल किया था, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसा लड़का है, कि सवाल है कि वो खुद निरक्षर है, मूर्ख है। कौन मूर्ख है? वही तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, अच्छा आप अभी आपने कह दिया, मैं तो नाम नहीं बोल सकता इसलिए मैं पत्रकार हूँ। कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे विधायक हैं, मैं नाम नहीं बोल सकता, मेरी मजबूरी है। जो निरक्षर नहीं, वो दो लाइन बोल नहीं सकता है, ये आप कैसे जानते हैं? जो आदमी इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, देखिए किसी भी चीज को आप भावुक होकर ना बोलें। जी नहीं, जो हम जानते हैं सो कह रहे हैं, कहा भावुक होकर के सुने हुए बोल रहे हैं, या कभी बात करने का मौका मिला तेजस्वी से आपको? नहीं, कभी मिलने का मौका नहीं मिला है। ही इज अ क्वालिफाइड पर्सन। आपको देखिए, लोगों के कहने में मत जाए आप कभी, ही इज एक, अगर क्वालिफाइड नहीं होता तो इतना अच्छा अंग्रेजी बोलता है, इतना अच्छा हिंदी बोलता है, अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, भाषण करता है, इतना अच्छा वो पैतृक विरासत है उनकी। अच्छा ये बताइए कि आपके पास कितने बेटे हैं? दो लड़के हैं। बेटा पढ़ा लिखा होगा, वेल क्वालिफाइड होगा। पैतृक विरासत उसको नहीं बोलते हैं, पैतृक आपने जो संस्कार दिया वो मिला विरासत में, लेकिन बगैर पढ़े हुए ग्रेजुएट नहीं हो सकता, अंग्रेजी नहीं बोल सकते, अंग्रेजी नहीं बोल सकता वो। चलो मास्टर, क्या नाम है बाबा आपका? एक मिनट। रामाशीष पांडे। रामाशीष पांडे, कहाँ घर हुआ आपका? कालिकापुर, मधुबनी जिला। मधुबनी जिला में पड़ता है। आप बताएं कि अभी जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इस पे उनके जो विरोधी हैं, जो अलग अलग पार्टी के लोग हैं, मतलब बिहार के क्या, देश के ज्यादातर पार्टियाँ जो इंडिया गठबंधन में शामिल है, उसका वो विरोध कर रही है। उनका कहना ये था, कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, मतलब कि सभाओं को जो भी आरक्षण के लायक है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह, अगर ये पास हुआ तो तब को तुरंत फायदा मिलना चाहिए इसका। अब 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद मिलेगा, उन लोगों का क्या होगा जो पिछड़े हुए, अब वो परेशान हो जाएंगे। वो जनता को ठकना हुआ, अगर बिल पास हुआ तो उसको लागू करना चाहिए, करना चाहिए ना, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, लागू करना चाहिए। अगर लागू नहीं, क्या लॉलीपॉप देख रहा है? हाँ हाँ, तो ठग रहा है। इलेक्शन होना है, 24 में इलेक्शन होना है। हम बिहार के हैं, बिहार की बात करेंगे। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार उनके गार्जियन हैं, चाचा भतीजे की सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 4 लाख नौकरी तो अभी ये लगता है 1 साल भी नहीं हुआ होगा, पूरा कर दिया उसने, तो काम कर रहा है ना। कौन है, किसका बेटा, हम ये नहीं जानते हैं, काम कर रहा है तो हमारे लिए अच्छा है, काम कर रहा है तो अच्छा है ना हमारे लिए। भविष्य में आपकी क्या आशाएं हैं तेजस्वी यादव से, आप अच्छा काम करेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री बनना है उनको, क्या उम्मीद लग रहा है आपको? अच्छा काम करेंगे, मन जनता जनार्दन के नजर में मन सही पाए जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नहीं पाए जाएंगे नहीं बनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।